हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हमारे इस खास पेशकश में बात होगी मंदसौर प्रतापगढ़ अंतर्राज्यीय मार्ग के बीच बनी 20 किलोमीटर की हस्ताहाल सड़क की, जो सिर्फ कहने के लिए सड़क है, हकीकत में महज गड्ढों के अलावा यहां और कुछ नहीं बचा। ये जर्जर सड़क लोगों के लिए काल बन चुकी है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्या कारण है कि लोगों के जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी पर आज बात होगी। लेकिन पहले बात करेंगे जैसे सीमेंट के उस चक्रव्यूह की, जिसमें चाहे चित्तौड़गढ़ हो या फिर नागौर, यहाँ के लोग फंसते ही जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस चक्रव्यूह की जिसमें जेके सीमेंट स्थापना के समय लोगों को सपना दिखाया विकास का, रोजगार का सपना दिखाया, जीवन स्तर में सुधार का, और लोग इस चक्रव्यूह में फंसते चले गए। यहाँ तक कि लोगों ने अपनी जमीन भी दे दी, लेकिन बदले में मिला तो सिर्फ जहरीला धुआं और बढ़ती प्रदूषण की मार। जेके सीमेंट का माया जाल ही ऐसा है जिसमें हर कोई फंसता चला जाए। लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन इतने सालों तक सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं मिला। संबंधित विभागों के भी चक्कर काटे गए, लगातार शिकायतें की गई, लेकिन जेके सीमेंट के रसूखों के आगे सरकार इतनी नतमस्तक है कि कार्रवाई की बात तो दूर, अधिकारी कुछ बोलने से भी कतराते हैं। ताजा मामला नागौर की मेड़ता सिटी का है, जहां पर भी जेके सीमेंट ने लोगों से कई वादे किए, वो वादे तो पूरे नहीं हुए, ऊपर से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और किया जा रहा है। गांव में प्रदूषण के अलावा इस प्लांट से और कुछ नहीं मिल रहा। लोगों ने एसडीएम कलेक्टर से लेकर सरकार के हर नुमाइंदे तक गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। जेके सीमेंट की कारगुजारियों की फहरिस्त दिन ब दिन लंबी ही होती जा रही है। ताजा मामला नागौर की मेड़ता सिटी का। यहाँ के निकटवर्ती गांव गोटन में 35 से 40 साल पहले जेके ग्रुप का प्लांट लगा तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोचा गांव की काया पलट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पर समय के साथ एक एक करके गांव वालों के सारे सपने चकनाचूर हो गए। आज अगर गांव गोटन को देखे, ग्रामीणों और किसानों से मिले तो जो सपने उस समय देखे उनसे आज भी गाँव कोसों दूर है। गाँव में प्रदूषण के सिवाय और कुछ नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि सीमेंट फैक्ट्री से उठने वाले धुएं से उन पर बुरा असर पड़ रहा है, वो कई बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। हर साल आसपास के किसानों की फसलें भी चौपट हो जाती हैं। प्लांट से निकलने वाले डस्ट से पेड़ भी खत्म हो रहे हैं, तो लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। पहले मामला आया था चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद अब सामने आया है नागौर में, जहां पर लोग लगातार परेशान होते जा रहे हैं, लेकिन जेके सीमेंट के रसूखों के आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, शिकायतें ऐसा नहीं है कि नहीं की गई, लगातार शिकायतें भी की गई, यहां तक कि मामला विधानसभा में भी उठा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार लोगों को यहाँ पर सपने दिखाए गए थे, स्थापना के समय लोगों को सपना दिखाया गया था, विकास होगा, विस्तार होगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन आज तक ये सपने सपने ही हैं, हकीकत में नहीं बदल पाए। तो मेटा सिटी से सिटीजन जर्नलिस्ट सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी सुनील, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ शिकायतें यहाँ पर सामने आ रही हैं जेके सीमेंट के खिलाफ। जेके सीमेंट के खिलाफ एक सामान्य ग्रामीण से लेकर सरपंच तक हर कोई हर तरह की शिकायतें आ रही है। सबसे पहले पोल्यूशन को लेकर आ रही है, उनके उठ रहा जो धुआं है, जिससे धुआं और इससे जो डस्ट उड़ रही है उसकी वजह से आसपास की फसलें तो खराब हो ही रही है और वहाँ के ग्रामीणों के भी स्वास्थ्य पे बुरा असर हो रहा है। जी वही अधिकारी क्या कुछ कहते हुए सामने आते हैं। पूर्व सरपंच नारायण सिंह ने एसडीएम कलेक्टर यहाँ तक कि जो इसके सीनियर जो भी अधिकारी है, जहाँ जहाँ हो सके उन्होंने हर तरह से ज्ञापन दिया है और जो भी इनको नुमाइंदा लगा है सरकार का या विभाग का, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको अपनी रिक्वेस्ट अपनी याचना सुनाई है। लेकिन वही हुआ रसूखों के आगे, ना तो सरकार मस्तक है और यहाँ के जो अधिकारी है वो भी बोने सबित हो रहे हैं। यही कारण है कि बार बार शिकायतों के बावजूद भी कोई विशेष असर नहीं हो रहा है। जी कार्रवाई तो यहाँ पर नहीं की गई है, वादे यहाँ पर लोगों से किए गए थे वो भी फिलहाल पूरे नहीं हो चुके हैं। सिटीजन जर्नलिस्ट सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुनील, बात यहाँ पर हो रही थी लगातार शिकायतें कर रहे हैं ग्रामीण, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है,
सब्ज बाग यहाँ पर दिखाया गया था जेके सीमेंट की स्थापना के समय अधिकारियों द्वारा, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या कुछ यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए गए थे, वादे यहाँ पर लोगों से किए गए थे उनकी जमीन के बदले? मैंने वहाँ आसपास के किसानों से बात की है, उन किसानों ने कहा है कि हमने ये सोचकर इस ग्रुप को हमने ये जमीन दी है कि इसके बदले में उनके परिवारों को रोजगार मिलेगा या यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा फायदा हो रहा है। जो उसके आसपास की जो फसल है वो उसकी डस्ट की वजह से खराब हो रही है। आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उसके कलर रंग तक उनका परिवर्तन हो गया, बुरा बुरा सा लग रहा है। और रोजगार की रही बात दूर, जहाँ तक ग्रामीणों सुनील फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे हमारे साथ एक बार फिर से हीरा लाल जी, जो कि SDM है जो जुड़ चुके हैं। जो हीरा लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार शिकायतें मिल रही है जेके सीमेंट के खिलाफ, क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती, लोग परेशान हो रहे हैं? SDM कहाँ के बताया मैडम आपने? लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, जेके सीमेंट के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही है, क्या कारण है कि कार्रवाई नहीं होती? नहीं, आपने मेरे को SDM कहाँ का बताया है? चुमेरता सिटी से जी, हीरालाल जी। हाँ हाँ, बताए क्या बात है? जानना चाह रहे हैं जिस तरह से लगातार शिकायतें मिल रही है, क्यों कार्रवाई नहीं होती जेके सीमेंट के खिलाफ? जेके सीमेंट की हमारे पास कोई शिकायत पेंडिंग? लोगों का यहाँ पर कहना है, आप चाहे तो आपको सुनवा सकते हैं, हमारे पास लोगों की बाइट नहीं, लोग भले कह रहे होंगे लेकिन हमारे पास कोई शिकायत नहीं। जी, तो लोग यहाँ पर लगातार परेशान हो रहे हैं, शिकायतें यहाँ पर आ रही हैं, बात हुई है लोगों से। तो हीरालाल जी, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो शायद इनके पास भी कोई जवाब नहीं था, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से अधिकारी जेके सीमेंट के रसूखों के आगे नतमस्तक है। इनका कहना है कि कोई भी शिकायतें नहीं मिल रही। वहीं फिलहाल आपको सुनाया था किस तरह से लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं, शिकायतें यहां पर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई यहां पर नहीं होती। कार्रवाई की बात तो बेहद दूर है, अधिकारी इस बात पर कुछ भी कहने से कतराते हैं, कुछ भी कहने से यहाँ पर शायद रसूख के आगे उन्हें डर सताता है। सरकार भी इस मामले पर कुछ भी कहने से कतराती है, लोग परेशान हो रहे हैं, फसलें उनकी चौपट हो रही है, प्रदूषण की मार यहाँ पर लोगों पर पड़ रही है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही। सब्ज बाग यहाँ पर इस प्लांट द्वारा, जो कि सीमेंट द्वारा दिखाया गया था लोगों को कि विकास होगा, विस्तार होगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उसके बावजूद अभी तक किसी भी तरह की कोई सुविधा लोगों को नहीं मिली है, विस्तार यहाँ पर नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। वहीं लोग यहाँ पर इन्होंने जमीनें अपनी दे दी थी विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, वो भी इन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। पेड़ खराब हो रहे हैं, फसलें चौपट हो रही है, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि बीमार पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य यहाँ पर बिगड़ रहा है, जहरीली गैसें जो इस फैक्ट्री से निकलती है, प्लांट से निकलती है, वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बीमारी यहाँ पर लोगों को जकड़ती जा रही है। तो सुनील, सिटीजन जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, अधिकारी अभी हमने बात करने की कोशिश की, हीरा लाल जी जो कि SDM है, उनका यहाँ पर कहना था कि किसी प्रकार की शिकायतें नहीं आ रही, क्या कहेंगे? ये वर्तमान जो SDM साहब है ये हाल ही में लगे हुए हैं, इनको इस मामले की शायद जानकारी नहीं है। मैंने भी फोन पे इनसे बात की है, इनको अवगत कराया है, लेकिन इनका भी यही कहना है कि हमारे पास शिकायतें नहीं। हमने वापस उन्हीं ग्रामीणों से, सरपंच, पूर्व सरपंच उनसे बात की, उन्होंने कहा कि तत्कालीन गुप्ता जी थे SDM साहब, उनको दिया था 2011 में, कलेक्टर साहब को भी दिया था और विधानसभा में भी मुद्दा उठा था और लोकसभा में तत्कालीन सांसद थे गोपाल सिंह की शेखावत राजसमंद क्षेत्र के, उन्होंने भी इसका मुद्दा, प्रदूषण को लेकर मुद्दा उठाया था। जी, तो प्रदूषण यहाँ पर लगातार फैल रहा है, अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे, लोगों का क्या कुछ कहना है फिलहाल? लोगों का तो यही कहना है कि बड़े ग्रुप के सामने जैसे वो बोले हैं साबित हो रहे हैं, उसी तरह उनको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन पे भी किसी तरह का दबाव है या उनकी पहुंच नहीं पा रही है। तो जिस प्रकार से मौजूदा हालात बने हुए हैं, अधिकारी मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्या कुछ माना जाए कि रसूख यहाँ पर हावी हो रहा है सरकारी सिस्टम पर, क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? यही मामला सामने है कि बस उनके सामने बोने साबित हो रहे हैं, उनकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, उपखंड अधिकारी उनके सामने भी कुछ कोई विशेष प्रभाव नहीं जमा पा रहे हैं, और ग्रामीण और पूर्व सरपंच नारायण सिंह जी तो पिछले कई सालों से प्रदूषण और ये रोजगार को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया है,
और उनके खिलाफ ग्रुप के खिलाफ भी कई बार उन्होंने जी। सुनिए, फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। पूर्व सरपंच नारायण सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नारायण सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से शिकायतें मिल रही है, जेके सीमेंट के खिलाफ क्यों शिकायतें नहीं हो रही, कार्रवाई यहाँ पर क्यों नहीं की जा रही, क्या कुछ कारण यहाँ पर है? इनके उनके रसूखात के कारण जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने में आनाकानी कर रहा है। तो आपसे क्या कुछ उम्मीद की जाए इस पूरे मामले पर? क्या मैम, समझाने में? आपसे क्या कुछ उम्मीद की जाए इस पूरे मामले पर? आपने क्या कुछ यहाँ पर कोशिश की थी? किन लोगों से आप मिले? किन से यहाँ पर शिकायत की गई मामले को यहाँ पर कार्रवाई तक ले जाने के लिए? मैंने जब मैं 2010 से 2015 में सरपंच था जी, तो सरपंच बनने के बाद से ही ये सारे जो मसले थे मेरे सामने आए जी। तो मैंने सर्वप्रथम तो जो इनको उद्योग लगाने के लिए गोचर भूमि ग्राम पंचायत की 150 बीघा जमीन जो इनको आवंटित की गई थी, उसमें इस स्पष्ट शर्त के साथ आवंटित की गई थी कि आप इसका पुनर्भरण करेंगे, परंतु कंपनी वालों ने स्थानीय प्रशासन से मिलकर के सरकारी भूमि का ही रकबा चेंज किया है, उसकी किस्म चेंज कर दी। जी नारायण सिंह जी, आपने यहाँ पर क्या कुछ कदम उठाए थे? एसडीएम से फिलहाल हमने बात करने की कोशिश की, उनका यहाँ पर कहना था कि उन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं है। क्या कलेक्टर से यहाँ पर बात की, उनका यहाँ पर क्या कुछ कहना था, क्या कुछ कदम आपकी ओर से यहाँ पर उठाए गए थे? कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अधिकारी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका मामले से कोई लेना देना नहीं है, अभी तक किसी तरह की कोई शिकायतें सामने आई ही नहीं। मैं वर्तमान एसडीएम साहब को इस मसले से पता नहीं है जी। मैंने पहले जिला कलेक्टर से सुमित जी शर्मा उनके टाइम से ही शिकायतें इनकी लिखित में दी जी। अशोक जी भंडारी थे दी। तो नारायण सिंह जी, यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप समझते हैं चीजों को, जानते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, आपसे क्या कुछ उम्मीद यहाँ लगाई जाए? मैंने आंदोलन किया 18 अप्रैल 2015 को और हमने इस फैक्ट्री के खिलाफ किया था, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, स्थानीय उप अधिकारी सोनलाल जी कायल थे, वो मौके पर आए, उनको हमने लिखित में ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर अंदर जांच करके कार्रवाई करेंगे। नारायण सिंह जी, एसडीएम साहब से फिलहाल हमारी बात हुई थी, उनका यहाँ पर कहना था हीरा लाल जी का कि उन्हें फिलहाल इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है, तो आप वहाँ पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मामले से अवगत करवाएंगे, क्या कुछ मैं किया जाएगा जी? इनको पता नहीं है अभी, मैं बता रहा हूँ ना, सोनलाल जी कायल थे पूर्व एसडीएम जो 2015 में अप्रैल में यहाँ थे जी, उनके बाद में राजेश कुमार जी गुप्ता है, मैंने उनको भी लिखित में दिया। तो फिलहाल जो एसडीएम कार्यरत है हीरा लाल जी, क्या उन्हें आप जानकारी देंगे मामले की, आप क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, मेरे पास सारे पूर्व में दिए गए ज्ञापन, वर्तमान में जो भी अभी इनकी अनियमितता है उनको मैं बिल्कुल हीरा लाल जी के सामने समक्ष रखूंगा, अब वो निष्पक्ष जांच करें। जी शुक्रिया नारायण सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, उम्मीद करते हैं कि आप उनके पास जाएंगे, पूरे मामले से अवगत करवाएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो लगातार जेके सीमेंट की कारगुजारियां सामने आ रही है, फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है, जहां पर पहले चित्तौड़गढ़ के लोग परेशान हो चुके हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते, रसूखात के आगे लोग यहाँ पर परेशान हो चुके हैं, सरकार कोई सुनवाई नहीं करती, अधिकारी कुछ नहीं कहते। वहीं पर नागौर के मेड़ता सिटी में भी अब ये मामला यहाँ सामने आया, जहाँ पर लोग परेशान हो चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब्जबाग यहाँ पर कंपनी फैक्ट्री की स्थापना के समय दिखाया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज तक ये सपने पूरे नहीं हुए हैं, ऊपर से लोगों को प्रदूषण यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे जहां प्रतापगढ़ में एक जर्जर सड़क लोगों के जी का जंजाल बन चुकी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।